नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। कानपुर कोर्ट में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। तथाकथित काले कोट फर्जी जमानत अपराधियों कराकर जेल से करा रहे रिया, आखिर मुख्यमंत्री योगी जी कानपुर कमिश्नर की नजर इन पर क्यों नहीं जा रही है? आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करता है तो उस मामले की शिकायत पुलिस प्रशासन से की जाती है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पुलिस द्वारा सुपुर्द किया जाता है। इसके बाद न्यायपालिका उस मामले को संज्ञान में लेकर सारी सुनवाई और गवाहों के आधार पर तय करती है कि आरोपियों को अपराध सिद्ध होता है या नहीं। इसकी सुनवाई के दौरान आरोपी अपनी बेगुनाही साबित करने हेतु न्यायपालिका से कुछ समय मांगता है अपने अधिवक्ता के माध्यम से, जिसमें न्यायपालिका उस आरोपी को मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो गारंटर यानी कि जमानतगीर के आधार पर आरोपी को समय देती है। लेकिन यहां तो न्यायपालिका के साथ ही धोखाधड़ी होती नजर आई है। इसमें कुछ तथाकथित काले कोट वाले न्यायपालिका को गुमराह करके फर्जी जमानत करा बैठे हैं, जिसमें वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस बात का खुलासा किया है कि दिनांक 18 नवम्बर 2022 को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें वादी उपेंद्र तिवारी और उनके अधिवक्ता रश्मि चौहान ने अवगत कराया कि उपेंद्र तिवारी के मुकदमे में आरोपी पक्ष द्वारा न्यायालय को गुमराह कर फर्जी जमानतगीर आरोपी की जमानत कराई गई है, जिसकी पुष्टि स्वयं क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच में की है। देखना यह होगा कि खबर का प्रसारण होने के बाद तथाकथित काले कोट के गिरोह का पुलिस प्रशासन कब पर्दाफाश करता है। आले अली की अब उपेंद्र तिवारी था, जितने जिसके उपेंद्र तिवारी इसमें वादी था, और जो प्रतिवादी है इसमें मनोज कुमार शुक्ला है, जो कि एक शातिर अपराधी है। इसके ऊपर एनएक्ट का मामला था, जिसमें इसने फर्जी जमानत 20,000 के बॉन्ड खुले और फर्जी इसने जमानत उसमें दिए, जिस मामले में पूरा प्रकरण चल रहा है। धन्यवाद मैडम। यूपी प्रशासन और मीडिया भाइयों से आप क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कमिश्नर महोदय ने बहुत हमारा सहयोग किया, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जो यहाँ तक स्थिति आई कि एक रिपोर्ट लग के आई जो कि फर्जी पाया गया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मीडिया, मैं समस्त पूरे मीडिया भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, जो आप ये खबर ले रहे हैं और जन जन तक पहुँचा रहे हैं, जिनके माध्यम से ये फर्जीवाड़ा खत्म हो सके, मैं उसके लिए आप सबकी बहुत बहुत आभार रहूँगी।